नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का फर्स्ट इंडिया न्यूज में। मैं हूँ आपके साथ शिखा शर्मा। चलिए सीधे रुख करते हैं फटाफट खबरों का। बीजेपी की मैनिफेस्टो कमेटी का ऐलान, राजनाथ सिंह होंगे कमेटी के अध्यक्ष, निर्मला सीतारमण को बनाया संयोजक, वसुंधरा राजे, भूपेंद्र यादव, अर्जुन मेघवाल सहित 27 नेताओं के नाम शामिल। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बयान पर भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद का पलटवार, कहा कांग्रेस अपना हिसाब किताब ठीक से रखते नहीं, ठीक से आयकर भरते नहीं और फिर धमकी दे रहे, भाषा ठीक नहीं। राजस्थान में 31 मार्च से बचेगा चुनाव प्रचार का बिगुल, अमित शाह जयपुर में लेंगे बीजेपी प्रदेश के प्रमुख नेताओं की बैठक, आज से बचेगा बिगुल, सीकर में करेंगे रोड शो तो 2 अप्रैल को पीएम मोदी कोटपुतली में करेंगे चुनावी सभा। कर्नाटक कांग्रेस विधायक शमणूर शिव रंगप्पा का भाजपा महिला उम्मीदवार पर तंज, कहा उन्हें सिर्फ किचन में खाना बनाना आता है, पब्लिक में भाषण देना नहीं। दावणगेरे लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार गायत्री सिद्धेश्वर पर उन्होंने तंज कसा। दिल्ली सरकार के मंत्री कैलाश गहलोत से ईडी ने की पूछताछ, दिल्ली शराब घोटाले में करीब 5 घंटे तक गहलोत से पूछे सवाल, पूछताछ के बाद कैलाश गहलोत ने कहा कोई घोटाला नहीं। सीपीआई को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस, पुराना पैन कार्ड इस्तेमाल करने का आरोप, सीपीआई की कुछ स्टेट यूनिट्स ने पुराने पैन कार्ड का किया इस्तेमाल, पार्टी को पैसे को लेकर के आईटी का कोई नोटिस नहीं मिला, सीपीआई के महासचिव डी राजा ने जानकारी दी। अरुणाचल प्रदेश की 60 विधानसभा सीटों में से 10 में हो सकता है भाजपा को चुनाव से पहले ही जीत मिली, इन 10 सीटों पर भाजपा उम्मीदवारों ने अनिविरोध जीत दर्ज की, इनमें सीएम पेमा खांडू, डिप्टी सीएम चाउना मेन भी शामिल है। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का बयान, बोले न्यायपालिका की ताकत बरकरार, जिन्हें लगा वे कानून से ऊपर, अब कानून उनके पीछे। मुख्तार अंसारी की स्टोरी का द एंड, समर्थकों के हुजूम के बीच हुआ सुपुर देखा, बेटे ने पिता की मूछों पर ताव देकर विदा किया, जनाजे में उमड़ा जनसैलाब। नरसिम्हा राव समेत 4 शख्सियतों को दिया गया भारत रत्न, चारों मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित लालकृष्ण आडवाणी को 31 मार्च को दिया जाएगा भारत रत्न। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने केजरीवाल पर साधा निशाना, कहा अरविंद केजरीवाल को खुद नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए था, लेकिन आम आदमी पार्टी का चरित्र ऐसा कि उसमें नैतिकता नाम की कोई चीज नहीं, जांच एजेंसी अपना काम कर। लोकसभा चुनाव 2024 भाजपा ने जारी की 8वीं सूची, भाजपा उम्मीदवारों की सूची में 11 नाम शामिल, ओडिशा, पंजाब और पश्चिम बंगाल के उम्मीदवारों की घोषणा की, गुरदासपुर से सनी देओल का टिकट कटा, बीजेडी से आए भरतरी मेहताब को भी उतारा मैदान। कांग्रेस को आईटी के नोटिस के बाद भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने कहा दुर्भाग्य है कि देश का एक राजनीतिक दल, मैं कानून का पालन नहीं करूंगा, इसके लिए विरोध प्रदर्शन कर रहा है, कांग्रेस ने कानून तोड़ा है, आयकर मामले में जो गड़बड़ियां कांग्रेस पार्टी ने की है उनकी जांच होनी चाहिए। कांग्रेस को आईटी के नोटिस पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कानून का खुला उल्लंघन हो रहा, सत्ता का भयंकर दुरुपयोग हो रहा, ऐसा लगता है कि देश में लोकतंत्र नहीं बचा, पहले 148 करोड़ और अब 1600 से 1700 करोड़ के नोटिस सामने आए। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री शिवराज पाटिल की बहू अर्चना पाटिल चाकूरकर ने की बीजेपी ज्वाइन, मुंबई में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। नागालैंड के ईस्टर्न नागालैंड पीपुल्स ऑर्गेनाइजेशन यानी ईएनपीओ का बड़ा ऐलान, नागालैंड में लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करेगा ईएनपीओ, 6 जिलों को मिलाकर अलग राज्य की मांग। 31 मार्च को होने वाली इंडी गठबंधन की महारैली पर दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय ने कहा देश में लगातार विरोध, विपक्ष के नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा, एजेंसियों की मदद से उन्हें निशाना बनाया जा रहा है, ये जो खेल चल रहा है इसी के खिलाफ महारैली होने जा रही है। भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर में 23 पाकिस्तानियों को बचाया, ईरानी जहाज को सोमालिया के समुद्री लुटेरों से रेस्क्यू किया, 12 घंटे तक ऑपरेशन चला। बाबर फिर बन सकते हैं पाकिस्तान टीम के वाइड बॉल कप्तान, बोर्ड ने प्रस्ताव दिया, वनडे वर्ल्ड कप के बाद छोड़ दी थी कप्तानी, बाबर ने अभी तक प्रस्ताव नहीं किया है स्वीकार। सावरकर की शूटिंग के वक्त आर्थिक तंगी से जूझे रणदीप हुड्डा, फिल्म के लिए उन्हें बहुत सारी फिजिकल और फाइनेंशियल चुनौतियों को पार करना पड़ा, पिता की प्रॉपर्टी बेची, वजन कम करने के लिए सिर्फ नट्स खाए। कृति सैनन ने राजनीति के सवाल पर तोड़ी चुप्पी, बोली अगर मेरे दिल में आएगा तो आऊंगी, फिलहाल फिल्मों पर अभी ध्यान दे रही हूं। बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट ने हाल ही में लंदन में हुआ चैरिटी इवेंट होप गाला अटेंड किया, चैरिटी इवेंट होप गाला में आलिया ने गाया गाना, सिंगर हर्षदीप कौर के साथ की जुगलबंदी, 30 साल पुरानी साड़ी पहने दिखाई दी आलिया भट्ट।
एक्ट्रेस प्रिया मणि ने किया बड़ा खुलासा। गायस आरके के साथ काम करने के बाद पहले मजाक लगी, पहली बार रोहित शेट्टी के ऑफिस से फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस के लिए फोन आने पर लगा मजाक। रोहित शेट्टी से अनुरोध किया था कि मुझे सिर्फ बैकग्राउंड डांसर के तौर पर इस्तेमाल न करें। बिग बॉस 17 फेम मनारा चोपड़ा ने मनाया अपना 33वां जन्मदिन। बहन प्रियंका चोपड़ा पति निक जोनस के साथ आई नजर। मनारा के बर्थडे पर फैमिली मेंबर्स और करीबी दोस्त ही नजर आए। आमिर खान के बेटे जुनैद खान की अपकमिंग एक दिन के जापान शेड्यूल की शूटिंग पूरी। फिल्म में जुनैद के ऑपोजिट साउथ की सुपरहिट एक्ट्रेस साई पल्लवी दिखाई दी। मुंबई में जल्द शुरू होगी फिल्म की शूटिंग, 3 स्टूडियो में बन रहा है सेट। जलवाड़ की बकारी में 8वीं बोर्ड परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 4:30 बजे तक संपन्न हुई है। इस दौरान राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गुरुकुल सहित 16 विद्यालय के बालक बालिकाओं ने परीक्षा दी। माणागढ़ में भगवान चारभुजा की शोभायात्रा में उमड़ा जन सैलाब। कस्बे में शोभायात्रा का जगह जगह पुष्पवर्षा से स्वागत हुआ। विधायक गोपाल खंडेलवाल भगवान के विमान को अपने कंधों पर रखकर कस्बे के भ्रमण पर निकले। वहीं शोभायात्रा में कच्छ घोड़ी नृत्य आकर्षण का केंद्र। धौलपुर जिले के देहौली गांव में युवक का खेत में संदिग्ध हालत में मिला शव। सूचना पर मौके पर पहुंचे पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर अस्पताल के मोर्चे में रखवाया। परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए मामला दर्ज करवाया। पुलिस मामले की जांच में जुटी। नागौर में मुंडवा शहर के श्री वागीश्वरी विद्या मंदिर में राजस्थान दिवस बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया है। कार्यक्रम की शुरुआत डायरेक्टर गजेंद्र गोपाला व प्रधानाचार्य दयानंद गोपाला ने माँ वागीश्वरी के समक्ष दीप प्रज्वलित कर की है। विद्यार्थियों के लिए पारंपरिक वेशभूषा प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में प्रथम आने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। मुंडवा शहर के विद्युत विभाग के सब स्टेशन में अचानक तेज धमाके के साथ लगी आग। सूचना पर मौके पर पहुंचे दमकल कर्मी कड़ी मशक्कत करके आग पर काबू पाया। आग से ट्रांसफार्मर के आसपास का कचरा राख हुआ, साथ ही कुछ लाइन भी जल गई जिन्हें दुरुस्त करने का काम शुरू। झालावाड़ में पिड़ावा के रायपुर कस्बे में पालीपाल युवा समाज के तत्वाधान में फाग उत्सव मनाया गया। राधा कृष्ण बनकर महिलाओं ने फूलों से होली खेली, वहीं फाग के गीतों पर आकर्षक नृत्य किया गया। इस दौरान पालीपाल युवा मंडल के सदस्य भी मौजूद रहे। झालावाड़ जिले के पिड़ावा में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा नगर में ग्रामीण मंडल कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित हुई, जिसमें वक्ताओं ने एकजुट होकर कार्य करते हुए झालावाड़ 12 लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी दुष्यंत सिंह के पक्ष में अधिक से अधिक मतदान करने का आह्वान किया। लोकसभा चुनाव के तहत हथकड़ महुआ शराब के खिलाफ डूंगरपुर पुलिस एक्शन मोड में दिखाई दी। जिले की सरौदा, चौरासी और सागवाड़ा थाना पुलिस ने अलग अलग जगहों पर दबिश देकर 6,500 लीटर महुआ वॉश नष्ट किया। वहीं 70 लीटर महुआ शराब के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पाली के सुमेरपुर पुलिस के अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई। पुलिस ने 2 किलो 300 ग्राम गांजा बरामद किया। एक वॉन्टेड आरोपी को भी गिरफ्तार किया। लोकसभा चुनाव को लेकर नाकाबंदी के दौरान कार्रवाई को अंजाम। कोटा के बोरखेड़ा इलाके में बदमाशों ने सोने मकान को बनाया निशाना। अज्ञात बदमाश ताला तोड़कर अंदर घुसे और घर में रखी नकदी और सोने चांदी के जेवर लेकर फरार हो गए। घटना के वक्त पीड़ित अमृतसर गया हुआ था। भीलवाड़ा में जिला कलेक्ट्रेट परिसर में स्थापित मीडिया प्रकोष्ठ का व्यय पर्यवेक्षकों ने अवलोकन किया है। व्यय पर्यवेक्षक IRS श्रीकांत रेड्डी वाय और IRS मधुसूदन राव जिजाडा ने किया अवलोकन। सोशल मीडिया मॉनिटरिंग के लिए की गई व्यवस्थाओं को भी जांचा। हनुमानगढ़ में बरसात और ओलावृष्टि से फसलों को भारी नुकसान हुआ। बरसात और ओलावृष्टि की वजह से गेहूं, चना और सरसों की फसलों को बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ। कई गांवों में 50 से 70% तक फसल खराब हुआ। पीड़ित किसानों ने राज्य सरकार से मुआवजे का जल्द सर्वे करवाने की मांग की। आयकर विभाग द्वारा कांग्रेस पार्टी पर कार्रवाई के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हनुमानगढ़ जंक्शन के भगत सिंह चौक पर प्रदर्शन किया। कांग्रेस जिलाध्यक्ष सुरेंद्र दादरी के नेतृत्व में प्रदर्शनकारी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आयकर विभाग द्वारा कांग्रेस के बैंक खातों से 135 करोड़ रुपए निकालने का विरोध जताया है। राजसमंद जिले के आमेर नगर में रंगपंचमी के अवसर पर नगर के आराध्य देव प्रभु जय सिंह शाम को श्रद्धालुओं ने जमकर रंग खिलाया है। इस अवसर पर पूरे नगर का माहौल रंग बिरंगी गुलाल से सराबोर दिखाई दिया। डूंगरपुर के सागवाड़ा पुलिस की नगर धारा 102 के तहत कार्रवाई। पुलिस ने 8 किलो 392 ग्राम चांदी के जेवरात, 26,75,000 की नकदी जब्त की। राजसमंद के नादवारा निवासी आरोपी पूरन सिंह को भी गिरफ्तार किया। सिकराय के गीजोड़ कस्बे में सिकंदरा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए खेत में पशुचारे की आड़ में बो रखे अवैध मादक पदार्थ गांजे के हरे पौधे को जब्त किया है। आरोपी युवक को भी गिरफ्तार किया है। 28 किलो 425 ग्राम गांजे के पौधों की कीमत करीब 14,21,000 रुपये। 12 के अंत में लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा की पहली बैठक का आयोजन। विधायक कंवर लाल मीणा रहे मौजूद। लोकसभा में भाजपा ने 5 लाख मतों से जीतने का लक्ष्य रखा।
बारा झालावाड़ लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी दुष्यंत सिंह को विजय का ताज पहनाने की अपील। भीलवाड़ा में लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी ने सहायक रिटर्निंग अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने निर्देश दिए कि निर्वाचन से संबंधित किसी भी कार्य में पेंडेंसी नहीं रखें, निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों की शत प्रतिशत पालना सुनिश्चित करें। प्रतापगढ़ की कुणी ग्राम पंचायत में मुख्य सड़क पर बनी नालियां क्षतिग्रस्त होने से ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सड़क निर्माण का काम करने वाले ठेकेदार ने नालियों को 6 माह पूर्व सड़क बनाने के दौरान क्षतिग्रस्त कर दिया था, जिसे आए दिन हादसे हो रहे हैं। ग्रामीणों ने पुलिस से शिकायत की है, नालियों की मरम्मत करवाने की मांग की। अजमेर के पिसांगर में हर्षोल्लास और उमंग से मनाया गया रंगपंचमी का त्यौहार। रंग बिरंगे गुलाल से तरबतर हुए हैं लोग, डीजे साउंड पर झूमते नाचते हुए दिखाई दिए। बांसवाड़ा के घड़ी में लोकसभा चुनाव को लेकर निकाली गई जागरूकता रैली। नगर पालिका द्वारा निकाली गई मतदाता जागरूकता रैली। नगर पालिका में कार्यरत सफाई कर्मियों ने निकाली रैली। रैली में सभी नागरिकों को मतदान करने का संदेश दिया। भीलवाड़ा में राजस्थान दिवस पर टाउन हॉल में कार्यक्रम की शुरुआत। लोक कलाकारों द्वारा कच्ची घोड़ी, सांस्कृतिक नृत्य, तेजा गायन सहित विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी गई। यूआईटी सेक्रेटरी, उपखंड अधिकारी, नगर परिषद आयुक्त सहित एडीपीसी समसा सहित जिला स्तरीय अधिकारी, गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। नागौर लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी ज्योति मिर्धा ने मकराना विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र का दौरा किया। बोरावर में उन्होंने कहा कि कांग्रेस नागौर में काफी कमजोर हुई है। आरएलपी के साथ कांग्रेस ने गठबंधन कर ये साबित भी कर दिया, जनता भाजपा के साथ है, भाजपा का कार्यकर्ता काफी मजबूत है। पुरेरा में भाजपा कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम के दौरान ग्रामीण जयपुर ग्रामीण लोकसभा भाजपा प्रत्याशी राव राजेंद्र सिंह के समक्ष 3 वर्तमान कांग्रेस पार्षद सहित 35 लोगों ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। राव राजेंद्र सिंह में पूर्व विधायक निर्मल कुमावत ने भाजपा परिवार से जुड़ने वाले नए सदस्यों का पार्टी का दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया। चित्तौड़गढ़ में दुग्ध डेयरी में लगी भीषण आग। डेयरी में पड़े स्क्रैप में लगी भीषण आग। लाखों रुपए की कीमत का बताया जा रहा स्क्रैप। हालांकि अभी तक आग लगने के कारणों का नहीं हुआ खुलासा। सूचना पर मौके पर पहुंचे दमकलकर्मियों ने आग पर काबू पा लिया। चलिए नजर डालते हैं फटाफट खबरों पर। रियाबड़ी में खेत में बने हौद में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई। घटना के बाद मेरठ सटे विधायक लक्ष्मण राम कलरू मौके पर पहुंचे। दोनों बच्चों के परिजनों को बधाया ढांढस। सरकार की ओर से उचित सहायता दिलाने का आश्वासन भी दिया। सरपंच गिरधारी लाल सैनी, मंडल अध्यक्ष भंवर सिंह, एडवोकेट रामकिशोर तिवाड़ी सहित भाजपा कार्यकर्ता साथ रहे। डूंगरपुर जिले के ओपरी कस्बे में होली के 5वें दिन परंपरागत फूतरा पंचमी खेल का आयोजन हुआ। राजपूत ब्राह्मण और पाटीदार समाज के सैकड़ों युवाओं ने फूतरा खेल में भाग लिया। विजेता रहे युवा हेमेंद्र सिंह को साहसी युवा का खिताब देते हुए गांव में उसका विजय जुलूस निकाला गया। झुंझुनू की मंडवेला पुलिस को अपहरण कर गैंगरेप मामले में सफलता मिली है। पुलिस ने वारदात के मुख्य आरोपी हिसार निवासी इमरान और अनवर को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने 3 महीने पहले इंस्टाग्राम चैटिंग कर पीड़िता से की थी दोस्ती। फिर आरोपियों ने अश्लील चैटिंग कर पीड़िता को टॉर्चर किया, अपहरण कर गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया था। नागौर लोकसभा सीट पर नामांकन वापसी की प्रक्रिया के बाद अब कुल 9 प्रत्याशी चुनावी मैदान में। कुल 10 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किए थे। 1 अभ्यर्थी ने वापस लिया नामांकन। 21,46,725 मतदाता चुनेंगे नागौर का सांसद। नागौर कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में केंद्रीय सामान्य पर्यवेक्षक आरएस ढिल्लो, केंद्रीय व्यय पर्यवेक्षक एमआर रथ एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अरुण कुमार पुरोहित ने आयोजित की बैठक। निर्वाचन संबंधित तमाम जानकारियों के लिए प्रत्याशी और उनके कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। धौलपुर जिले की बाड़ी सदर थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए अवैध हथियारों को लेकर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से अवैध पिस्टल सहित जिंदा कारतूस बरामद हुए। साथ में कई खाली खोखे भी पुलिस के हाथ लगे। धौलपुर में बाड़ी कस्बे की व्यापार एवं खंडसारी संघ की नवीन कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हुआ। बसेड़ी रोड स्थित एक निजी मैरिज होम में आयोजित हुआ। अग्रवाल समाज के पूर्व जिलाध्यक्ष मुकेश सिंगल की अध्यक्षता में आयोजित हुए कार्यक्रम में समाज के तमाम पदाधिकारियों ने शिरकत की। बहरोड में आबकारी विभाग और पुलिस लोकसभा चुनाव को लेकर एक्शन मोड में। जिला आबकारी अधिकारी गिरिवर शर्मा के निर्देशन में आबकारी विभाग पुलिस के साथ मिलकर 6,000 लीटर हथकड़ शराब नष्ट की है, जिसकी अनुमानित कीमत 3,60,000 रुपये बताई जा रही है। बीकानेर में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। आयकर विभाग द्वारा कांग्रेस के खातों को सीज कर दे और कांग्रेस पार्टी पर 1,823 करोड़ से अधिक के भुगतान के नोटिस का विरोध किया है। पूर्व मंत्री बीटी कल्ला, जिलाध्यक्ष विष्णुराम सियाग, यशपाल गहलोत सहित कई कार्यकर्ता मौजूद हैं। मधुरा थाना क्षेत्र के
बलभटपुरा के ग्रामीणों ने रोड वे पुलिया की समस्या को लेकर मतदान का बहिष्कार करने का निर्णय लिया। ग्रामीणों ने एकत्रित होकर बिनागंज रोड पर बैठकर विरोध प्रदर्शन किया है, जिसके बाद प्रशासन ने पहुंचकर समझाइश की। कोटा में एक दिन पहले लापता हुए युवक का शव नहर से बरामद हुआ। युवक का शव 4 किलोमीटर दूर डीसीएम नहर के पास से बरामद हुआ। युवक की गाड़ी कोटड़ी नहर की पुलिया के पास खड़ी हुई मिली थी। इसके बाद नहर में नगर निगम की गोताखोर टीम ने तलाशी अभियान शुरू कर दिया। बारा के किशनगंज पंचायत समिति की ओर से मतदाता को जागरूक करने के लिए कैंडल मार्च और जन जागरूकता मतदान चौपाल का आयोजन किया गया है। इस दौरान मतदाता को मतदान करने हेतु कैंडल मार्च के साथ चौपाल लगाकर गीतों के माध्यम से मतदान करने का महत्व समझाया गया। बारा में जिला निर्वाचन अधिकारी और एसपी ने मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर संपूर्ण व्यवस्थाओं की जानकारी लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी ने विभिन्न मतदाता केंद्रों सहित क्रिटिकल बूथों का निरीक्षण कर छाया पेयजल और रोशनी एवं दिव्यांग रैंप की व्यवस्थाओं का फीडबैक लिया। बारा में अखिल राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ी जाति अधिकारी कर्मचारी संयुक्त महासंघ की बैठक आयोजित हुई। कोटा रोड स्थित विवेकानंद पार्क में हुई बैठक आयोजित अम्बेडकर के जन्मोत्सव को धूमधाम से मनाने के लिए चर्चा की गई। बारह में सीएमएचओ ने किशनगंज शाहबाद ब्लॉक के गोर्धनपुरा माधोपुरा और सारद्री गांव में चर्म और कुष्ठ रोग के बारे में 438 लोगों को जागरूक किया, जिसमें 8 मरीजों को शाहबाद सीएचसी रेफर किया गया, 4 मरीजों को सीएचसी किशनगंज रेफर किया गया। बारह के किशनगंज में फूलडोल लोकोत्सव पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में नागौरी कलाकारों द्वारा संस्कृति प्रोग्राम कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। नागौरी कलाकारों द्वारा एक से बढ़कर एक प्रस्तुत किए गए। इस दौरान सांस्कृतिक प्रोग्राम को देखकर कलाकारों ने दर्शकों का मन मोह लिया। बारह में जिला स्तरीय राजस्थान दिवस के अवसर पर खेल संकुल में मतदाता जागरूकता के तहत रन फॉर वोट मैराथन आयोजित की गई। कलेक्टर रोहित सिंह तोमर ने रन फॉर वोट मैराथन को हरी झंडी दिखाने के साथ ही प्रतिभागियों संग दौड़ भी लगाई है, मतदान का संदेश दिया। बारा के सिसवाली में भाजपा नगर और देहात मंडल के कार्यकर्ताओं की बैठक संपन्न हुई। बैठक में वक्ताओं ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, आगामी चुनाव में मिलकर कार्य करने की अपील की। बारा के किशनगंज में फूल ढोल उत्सव की 138वीं वर्षगांठ पर स्थानीय स्कूल के छात्र छात्राओं द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक प्रोग्राम की प्रस्तुति दी गई। आयोजन समिति के अध्यक्ष रामनिवास सुबन ने मंच पर अतिथियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया। फूल ढोल उत्सव में झांके और सॉन्ग के कलाकारों को पुरस्कार भी वितरित किए। शाहपुरा में रामस्नेही संप्रदाय की मुख्य पीठ रामद्वारा में उमड़ा जन सैलाब। थाल के जुलूस के साथ फूल डोल महोत्सव का समापन हुआ। संप्रदाय के पीठाधीश्वर आचार्य श्री रामदयाल जी महाराज ने अपना चातुर्मास शाहपुरा में करने की घोषणा की है। 8 शहरों की ओर से चातुर्मास करने की अर्जियों को पेश किया गया था। और चलिए इसी के साथ स्पीड न्यूज में आज बस इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे फर्स्ट इंडिया न्यूज।